जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इस कंपनी की यहाँ पर बातें करें तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हमको इस कंपनी से रिलेटेड आती हुई देखने को मिल जा रही है। तो वो जो न्यूज़ है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि हर एक कंपनी में जब भी कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आती है तो उस कंपनी में आपको एक रैली देखने को मिलती है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे एक कारण है दोस्तों, वो है अनसर्टेनिटी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में अगर बातें करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो एक अनसर्टेनिटी इसके साथ यहाँ पे चलते हुए हमको देखने को मिल जा रही है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप एंड अमेजॉन से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान होगा, आपको याद होगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप्स के साथ कुछ डील की थी, जिसको लेकर के जो अमेजॉन है दोस्तों वो यहाँ पे हाईकोर्ट चली गई थी, जिसका फैसला अभी तक यहाँ पे हमको आते हुए देखने को नहीं मिला है। जिस वजह से यहाँ पे कंपनी के लास्ट एक साल के भी परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी ही हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस से एक साल का वो तो अच्छा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है वो उतना अच्छा यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चल रही है। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती है तब तक हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में रैली आने को तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो ये अनसर्टेनिटी ही हमको देखने को मिलती है। देन यहाँ पे एजीएम से रिलेटेड भी अगर आपने देखा होगा कि इस कंपनी का अभी हाल ही में एजीएम था दोस्तों, तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से रख लिया गया था, जिसके बाद भी आपको यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। सो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, जो कि पास्ट की चीज़ें थी, जो कि आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी था। तो अब चलिए यहाँ पे हम सीधा चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। सीधा यहाँ पर हम अपने कंपनी के न्यूज़ के ऊपर आ गए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ क्लोज टू बाइंग आ सब्सेशनल स्टेक इन पोर्टिको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी रिलायंस है वो पोर्टिको में एक सब्सेशनल स्टेक यहाँ पे बाइंग करने से रिलेटेड बहुत ही करीब हमको देखने को मिल जा रही है। इस कंपनी के यहाँ पे अगर हम बातें करें तो ये होम फैशन ब्रांड से रिलेटेड ये कंपनी हमको देखने को मिल जाती है। एंड ये जो डील यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे हमको दोनों कंपनियों के बीच देखने को मिल रही है, इसके बारे में जिन्होंने बताया वो डायरेक्ट इसके बारे में यहाँ पे जान रहे, इस मैटर से रिलेटेड वो डायरेक्ट वो लोग जान रहे हैं, वो जो कि दो पीपल से जिनके नाम यहाँ पे अभी हमको नहीं बताया गया है, मतलब इस न्यूज़ में भी आपको देखने को नहीं मिला है। एंड वहीं पे अगर हम पोर्टिको की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि पोर्टिको एक फास्ट इमर्जिंग ब्रांड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स बेड एंड बाथ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड सेल्स भी करती है बेड एंड बाथ जैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे वो सेल करती है, जिसको वो अपने स्टोर्स के भी अपने स्टोर से सेल भी करती है एंड उसी के साथ साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी यहाँ पे ये कंपनी उन चीज़ों को यहाँ पे सेल करते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। यहीं पे उन दो आदमियों ने दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे बताया है कि यह कंपनी मतलब रिलायंस इस कंपनी के मेजोरिटी स्टॉक को यहाँ पे हासिल करने के बहुत ही करीब यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। आगे उन लोगों ने यह भी बताया दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो डील है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डन होते हुए हमको देखने को मिल जा रही है, बस इसकी यहाँ पे सार्वजनिक घोषणा यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ऑफ देम टोल्ड इट। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस जो कंपनी है पोर्टिको, उसको आप देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट भी होते हुए हमको आगे शायद से देखने को मिल सकती है। देन आगे अगर देखें दोस्तों, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमको सामने आती हुई देखने को मिल जा रही है, लेकिन अगर रिलायंस एंड पोर्टिको की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो इन दोनों ने अभी तक, जैसा मैंने बोला कि इन दोनों ने इस न्यूज़ के ऊपर कोई भी रिस्पांस यहाँ पे अभी तक यहाँ पे नहीं दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों वो रिपोर्ट के जरिए ही हमको सामने आती हुई देखने को मिल जाती है, जो कि फ्यूचर में जा करके आपको सच होते हुए भी देखने को मिल जाती है। तो जो ये न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको इस कंपनी में मतलब रिलायंस में एक रैली देखने को मिलनी चाहिए। एंड देखा जाए तो इससे जो हमारी कंपनी है उसका जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट होते हुए हमको देखने को मिल सकता है।
सो अब हम यहाँ पर सीधा अपने कंपनी के ऊपर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज का परफॉर्मेंस देखिए तो आपको यहाँ पे 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यूज़ बहुत ही शानदार यहाँ पे हमको देखने को इस कंपनी से रिलेटेड मिल गई है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों तो यहाँ पे आराम से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में बहुत जल्द एक अच्छी खासी रैली आने वाली है, जो कि यहाँ पे आपको शेयर प्राइस 2100 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला, जो कि आपको 3000 के आसपास भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी से आप बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट भी ये कंपनी यहाँ पे दे सकती है। चाहे तो आप यहाँ पे इनका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं ये कंपनी एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे देते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। 18 साल में करीब 39 गुना तक प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है। देन यहाँ पे अगर इस कंपनी के हम पर बातें करें रिलायंस की तो मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर वन कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। निफ्टी में अगर बातें करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी यहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाती है। निफ्टी 50 का पार्ट भी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो सब तरह की इस ये मतलब एक ऐसी कंपनी जो कई सेक्टर में काम भी करने वाली कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। सो अगर आप इस कंपनी को अगर बाय करना चाहते हो तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है उस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके जो कारण थे वो मैंने वीडियो को शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं। सो अगर आप इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को बाय करने से रिलेटेड। सो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। सो वीडियो का अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का जो प्रॉफिट है वो और भी लोगों को यहाँ पे मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।